जयपुर में हुए हाल ही के थप्पड़ कांड की। दरअसल स्पाइसजेट की एक क्रू मेंबर थी जिनका विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया एक सुरक्षा कर्मी के साथ कि उन्होंने थप्पड़ ही जड़ दिया। अब हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसा किस बात को लेकर उन्हें गुस्सा आ गया कि थप्पड़ जड़ दिया। बिना कुछ सोचे समझे, बिना बातचीत करे वो आई और ताव से थप्पड़ मार दिया। इस खबर को पहले ग्राफिक्स के जरिए हम सिलसिलेवार तरीके से पॉइंटर्स में आपको समझाते हैं, प्रगति बताएंगी। बिल्कुल, और अब जो थप्पड़ कांड सामने आया है वो जयपुर से है। जयपुर में एयरपोर्ट का वीडियो एक वायरल हो रहा है जहां एयरलाइंस कर्मचारी ने जवान को थप्पड़ जड़ दिया। आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, ये वही क्रू मेंबर है। महिला कर्मचारी पुलिस हिरासत में बताई जा रही है। महिला कर्मचारी ने आरोप भी लगाया है यहाँ पर कि मेरे साथ अनुचित व्यवहार हुआ जिसके बाद मैंने थप्पड़ जड़ दिया। एयरलाइंस ने कर्मचारी का सपोर्ट किया। इधर सुर्खियों में स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी आ गई है जिसने अचानक से सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार दिया था, जो वहां पर सिक्योरिटी के लिए जवान था उसको थप्पड़ मारा था, और इसके बाद ये वीडियो सुर्खियों में आया। तो देखिए, अब आपको विस्तार से समझाएंगे। दरअसल ये मामला जयपुर का है जहां पर एक थप्पड़ कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। होता ये था कि एक स्पाइस क्रू की जो मेंबर है वो आती है अपने बाकी साथियों के साथ, कुछ एंट्री को लेकर विवाद होने लगता है, वहां पर बहस होती है, सुरक्षाकर्मी रोकते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे होते हैं। इतने में वो महिला आगे जाकर सीधा थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही। आपको दिखाते हैं, समझाते हैं इस रिपोर्ट में। बिना चेकिंग नो एंट्री। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने रोका, आग बबूला हुई फ्लाइट अटेंडेंट। स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने जड़ दिया थप्पड़। इस तस्वीर को भूले नहीं होंगे आप, जब कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया था। अब एयरपोर्ट पर ही एक और थप्पड़ कांड सामने आया है। इस थप्पड़ कांड का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि स्पाइस जेट की क्रू मेंबर एएसआई जवान को थप्पड़ मार रही हैं। थप्पड़ कांड का ये सीसीटीवी फुटेज राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट का है जहां स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मार दिया। विवाद एंट्री को लेकर हुआ था। क्रू मेंबर अनुराधा रानी ने बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर एएसआई ने रोका और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। क्रू मेंबर अनुराधा ने महिला स्टाफ नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया। एएसआई ने महिला स्टाफ बुलाने की बात कही तो वो भड़क गईं और बहस करने लगी। महिला स्टाफ पहुंचती इससे पहले ही अनुराधा ने एएसआई को थप्पड़ मार दिया। एएसआई गिरिराज प्रसाद ने स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसके बाद अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसिडेंट ये हुआ कि व्हीकल गेट से स्पाइस जेट की क्रू अनुराधा रानी और अपने व्हीकल को लेकर के वहाँ से जाना चाह रही थी। वहाँ महिला स्टाफ नाती ड्यूटी में मौजूद नहीं था, इसलिए मौजूद ड्यूटी अफसर ने बताया कि महिला कॉन्स्टेबल से ही आपके रिसीव करके जाने दिया जाएगा, अंदर ऐसे नहीं जा सकते। इसी बात को लेकर के वो एक्साइटेड हुई बोले था और उसके सही के महिला कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर और महिला सब इंस्पेक्टर के सामने उसके सही एक चांटा जड़ दिया और इस बात को लेकर के एक एफ आई आर दर्ज कराई सी एस एफ ने और उस पर जो अनुसंधान किया सी सी टी वी फुटेज वगैरह लेके सारा पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें महिला को गिरफ्तार कर लिया। वही क्रू मेंबर अनुराधा रानी ने एएसआई गिरिराज प्रसाद पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस पूरे थप्पड़ कांड पर स्पाइस जेट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्पाइस जेट अपनी महिला कर्मचारी के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।